so good afternoon dear students our next topic from unit 2 is type 1 and type 2 error before this we have seen some topic from unit 2 that is what is hypothesis testing what is a parametric and non parametric test t test example for parametric wilcoxon test example from non parametric this point we have covered up till now now see what is different types of error that can come when you are doing a statistical test that can be any parametric or non parametric test so here uh, a simple definition is given a five marks question generally asked on uh, this topic uh, what is type one or type two error or what is the difference between type one and type two error likewise so here type one error refers to the situation when we reject the null hypothesis when it is true and type one error is denoted by alpha and this is a symbol for alpha and type two error refers to the situation when we accept the null hypothesis when it is false and it is denoted by the symbol which is called as the beta okay now I'll जस्ट वट एवर आई हैव रिटर्न इन अ ब्लू कलर जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट सो इन टाइप वन एर इट इज वेरी सिंपल इट इज अस वेन उल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस वेन इट इज ट्रू सो एक्चुअल में जो नल हाइपोथेसिस आपने कंसिडर किया था की दो चीजें जिनको आपको कंपेयर करना था और आपने नल हाइपोथिस बोला था कि दोनों जो चीजें जिसको आप कंपेयर कर रहे हो वो सिमिलर है ज अ नल हाइपोथेसिस और रियल में एक्चुअली भी क्या था दोनों सेम थे बट वेन यू अप्लाय टेस्ट योर टेस्ट गॉट अ रिजल्ट दैट दैट बो थ्रू सो हियर इन दैट सिचुएशन वी हैल हाइपोथेसिस सो इट इज कॉल्ड एज वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस वेन इट इज ट्रू तो ये हो गया एक टाइप का एरन एंड टाइप टू एरन मतलब यहाँ पे द नल उसको हमने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था नल हाइपोथेसिस फॉल्स बट स्टिल हैव एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस सो दिस इज कॉल्ड अनदर टाइप ऑफ एरर दैट इज टाइप टू एक बहुत अच्छा टेबल मैंने बनाया जिस टेबल से आपको ये कंसर समझ में आ जाएगा सो हियर अ टेबल इज लाइक

सो हियर द फर्स्ट दिस वैल्यू इज वॉट करेक्ट करेक्ट अब ये कब आ रहा है कि एक्चुअल में जो नल हाइपोथेसिस है उसकी वैल्यू ट्रू है और आपने जब टेस्ट परफॉर्म किया टेस्ट के बाद भी आपका भी आंसर क्या आया है एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस ओके तो दोनों जगह पे मतलब एक्चुअल भी वैल्यू दोनों की सेम थी और हमारे टेस्ट के बाद भी दोनों की वैल्यू क्या आई है सेम आई है तो वी विल सेकेंड इज हमने नल हाइपोथेसिस का जो ट्रूथ था मतलब जो दो जो हम कर रहे थे वो डिफरेंट थी एक दूसरे से इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए था रिजेक्ट मतलब क्या थी यहाँ पे वैल्यू क्या थी रियल में फॉल्स और जब हमने टेस्ट परफॉर्म किया टेस्ट के बाद हमारी भी वैल्यू क्या आई है रिजेक्ट द नल hypothesis ओके सो इन that केस अगेन वी आर गिविंग दैट our आंसर इज करेक्ट क्योंकि एक्चुअल वैल्यू भी फॉल्स थी और हमारे टेस्ट के बाद भी क्या आया है कि हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को क्या करो रिजेक्ट करो सो हियर आर वैल्यू इज ऑल्सो करेक्ट बट अगर इन अनदर केस अगर नल हाइपोथेसिस मतलब अगर आप दो चीजें कंपेयर कर रहे होंगे ए एंड बी ओके okay. तो वो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद एक्चुअली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ये एक्चुअल रिजल्ट है मतलब दोनों चीजें क्या है सेम है ये ट्रू आंसर है लेकिन जब हमने हमारी कोई टेस्ट परफॉर्म की उन डेटा के ऊपर वी गॉट द आंसर दैट दिस टू

एक्चुअल जो दो डेटा आप कंपेयर करने वाले हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है ओके okay? मतलब नल हाइपोथेसिस एक्चुअल फॉल्स है दोनों डेटा क्या है डिफरेंट है बट हमने जब उन डेटा के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया तो हमारे टेस्ट में हमको आउटपुट क्या मिला कि दोनों डेटा क्या है एक दूसरे से सिमिलर है दे आर सिमिलर टू इच अदर जो क्या है आंसर करेक्ट नहीं सो वी कॉल्ड इट एज अ टाइप टू एरर सो टाइप टू एरर मीन्स वेन आर टेस्ट फेल to observe the difference between two data set when the difference is actually existed okay so this is the difference or we call it as the type one and type two error so uh, did you understood this what is mean by type one and type two error whatever the assumption we are taking they are एजुकेशनल एजुकेशनल मतलब जिसमें जनरली कंपेरिजन होता है स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज यूज वेन यू वॉन्ट टू कंपेयर समथिंग और जब हम दो चीजों को कंपेयर करते कोई भी दो चीज हो सकती है दो डिफरेंट प्लांट को आप कंपेयर कर सकते हो दो डिफरेंट स्टूडेंट को आप कंपेयर कर सकते हो दो डिफरेंट लाइक स्पोर्ट्स मैन को कंसिडर कर सकते हो दो अलग अलग जो टीम है आपकी क्रिकेट की वो दोनों टीम का जो परफॉर्मेंस उसको आप कंपेयर कर रहे हो दो कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो दो पोलिटिकल लीडर को आप कंपेयर कर रहे हो या फिर आपके ही खुद के दो आपने अलग अलग टेस्ट दिए थे यूनिट टेस्ट वन यूनिट टेस्ट टू और दोनों टेस्ट का आपका जो परफॉर्मेंस है उसको आप कंपेयर कर रहे हो मीन्स यू आर कंपेयरिंग अ टू थिंग्स अभी तक हमने जितने भी टेस्ट देखे ये सिर्फ दो चीजों को कंपेयर करने के लिए दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने वाले टेस्ट अभी तक हमने नहीं देखे टी टेस्ट जेड टेस्ट विल्कॉक्सन रैंकसम टेस्ट ये जितने भी टेस्ट है ये सिर्फ दो अलग चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज होते है सो इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी आर एक्चुअली वॉट वी आर टेस्टिंग वी आर वी आर जस्ट कंपेयरिंग टू थिंग्स टू थिंग्स को हम बोलते हैं दो डेटा सेट को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं जब हम दो डेटा सेट को कंपेयर करते हैं सपोज मैंने बोल दिया पहला डेटा सेट जो है ये है ए एंड सेकंड जो डेटा सेट है दैट इज बी तो अब ये ए और बी कुछ भी हो सकता है दो स्टूडेंट हो सकते हैं एक स्टूडेंट के दो टेस्ट के मार्क्स हो सकते हैं दो अलग-अलग टीम हो सकती एनीथिंग उसका यहाँ पे डेटा हमको क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ डेटा दिया जाता है सपोज हमने कुछ डेटा दे दिया लाइक फाइव सिक्स थ्री फोर नाइन समथिंग वैल्यू वी हैव हियर ओके एंड पे हमने जो दूसरी दूसरा जो डेटा सेट है उसकी कुछ वैल्यू ले ली है सपोज हमने सो लाइक वाइज अब मैंने आपको पूछा कि ये दोनों जो डेटा सेट है ये सेम सिमिलर है कुछ वे में एक दूसरे से वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हंड्रेड परसेंट सिमिलर इट कैन बी सम सम काइंड ऑफ का तो हम बोल रहे हैं कि दो, दोनों जो डेटा सेट जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद आप क्या बोलोगे कि एक तो दोनों क्या होंगे वॉट कैन बी योर आंसर कि ए इज इक्वल टू बी दोनों जो है डेटा सेट ये एक दूसरे से सिमिलर है या फिर दूसरा हम क्या बोलेंगे नो ए इज नॉट इक्वल टू बी दैट कैन बी अल्सो द आंसर ओके okay. इसमें हमने बोला फर्स्ट इसमें कि दोनों चीजें सेम है जब हम बोलते हैं जब कोई भी दो चीज को कंपेयर करते हैं और हम बोलते हैं कि दोनों चीजें सेम है तो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस सो नल हाइपोथेसिस मीन्स वेन वी आर दैट बोथ डेटा सेट आर सिमिलर टू ईच अदर इक्वल टू ईच अदर जिसको जनरली हम एक्वल टू बी के बजाय इसको हम ऐसे भी लिखते हैं

होप योर अंडरस्टैंडिंग नल हाइपोथेसिस में हमने बोला कि दो डेटा सेट एक दूसरे से इक्वल है लेकिन इसमें एक्चुअली हम दो डेटा सेट को कभी कंपेयर डायरेक्टली वैल्यू से नहीं करते हम क्या निकालते हैं है. तो ए का मीन हम कैसे निकालते हैं ए का मीन मतलब हम उसको बोलेंगे एक्स वन और म्यू वन कुछ भी हम बोलते हैं इसका मीन कैसे निकालेंगे उसके अंदर जो वैल्यूज होती है उसको हम एक्चुअल एडिशन करते हैं We are just this okay. और इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से मतलब निकलते हैं. तो कितने फाइव तो हमने इस वैल्यू को डिवाइड बाई फाइव किया तो ये हमारा एवरेज निकल गया डेटा सेट ए का तो इस एवरेज को हम बोलते हैं मीन और मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स वन एक्स वन मीन डेटा सेट वन का एवरेज निकल गया ऐसे हमने क्या किया जो डेटा सेट बी है सो डेटा सेट बी का जो एवरेज है उसको हम डिनोट कर रहे हैं एक्स टू से या फिर म्यू टू से इसको भी हम क्या करेंगे to, values, so, हमको बी का एवरेज मिल गया या फिर बी का मीन मिल गया अब हम ये दोनों मीन जो है दोनों मीन को एक दूसरे से कंपेयर करते इसकी जो भी एवरेज वैल्यू आएगी वो कंपेयर करते तो ये दोनों अगर एक दूसरे से सिमिलर है सेम है तो हम बोलते कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो गया है लेकिन अगर इसकी वैल्यू सेम नहीं है सेम नहीं है इसका मतलब क्या है वट विल बी अल्टरनेट तो हम बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या हो गया है यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो गया यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है मतलब उनकी वैल्यू सिमिलर नहीं है x1 और x2 की वैल्यू सिमिलर नहीं है जिसको हम और कौन से वे में लिख सकते हैं x1 मतलब मीन मीन ऑफ ऑफ फर्स्ट डेटा डेटा सेट सेट इज नॉट इक्वल टू दोनों का जो मीन है एक दूसरे से सिमिलर नहीं है ओके okay, तो हमने बोला अगर नहीं है मतलब क्या नल हाइपोथेसिस जो हमने बोला था कि ये सिमिलर है ये ट्रू नहीं है इसके लिए वो रिजेक्ट हो गया रिजेक्ट हो गया इसका मतलब हमने क्या लिया अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गया हमारा Select हो गया, जिसको हम बोलते हैं एच जीरो से डिनोट किया जाता है और नल हाइपोथेसिस जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं सॉरी इसको हम डिनोट करते हैं एच जीरो से एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिनोट किया जाता है एच ए से या फिर एच वन से सो दट इज योअर अल्टरनेट हाइपोथिस है ये yes, man. Yes, man. Yes, man. अग, अभी yes, भी, भी लगता है नहीं समझ में आया यू कैन आस्क फ्रीली बिल्कुल टेंशन मत लो जहां पर भी नहीं समझ में आया हम ये पूरा टॉपिक भी पूरा फोर्टी मिनट देख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं हमको समझ में आया है सच में सबको ओके yes, ओके yes, yes, okay. yes, okay. okay. तो अभी हमने बोला कि हमने अज्यूम किया कि हमारे दो डेटा सेट क्या है सिमिलर है और हमने बोला नल हाइपोथेसिस क्या है हमारा दोनों जो डेटा सेट है वो एक दूसरे से क्या है दे आर सिमिलर लेकिन रियल में रियल में ये दोनों डेटा सेट एक दूसरे से सिमिलर बिल्कुल भी नहीं थे ओके okay. एक दूसरे से ये दोनों सिमिलर नहीं थे लेकिन जब हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो टेस्ट में हमको आंसर आया कि वो सिमिलर है दिस कैन हैपन ये चीजें हो सकती है जैसे आपने कंपेयर किया कि दो दो जो क्रिकेट की टीम है सपोज एक तुम्हारी चेन्नई कौन सी तुम्हारी रहती है आईपीएल में कौन सी दो टीम होती है चेन्नई आरसीबी ठीक है चेन्नई दोनों का जो परफॉर्मेंस है ना ये एकदम सिमिलर रहने वाला है या फिर एकदम सिमिलर है दोनों का ऐसे आपने बोला तो ये आपका नल हाइपोथेसिस हो गया आपने बोला अरे दोनों जो है ना टीम बहुत एकदम सिमिलर एकदम, एकदम एक जैसी खेलती है दोनों में अच्छे स्पोर्ट्स मैन है लाइक वाइज ओके और रियल में ऐसा था कि दोनों जो टीम है वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी एक बहुत अच्छी थी और दूसरी थोड़ी सी प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं था तो रियल में दे आर नॉट सिमिलर लेकिन जब आपने टेस्ट परफॉर्म किया आपका आंसर आया कि दोनों क्या है सिमिलर है इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया रॉन्ग हो गया राइट right? समझ में आया एक्चुअल में सिमिलर नहीं था लेकिन जब आपने कुछ तो टेस्ट या कुछ तो क्वेश्चन पूछे उससे आपको आंसर मिला कि नहीं दोनों क्या है टीम एक दूसरे से सिमिलर है तो आपने रॉन्गली ये कंक्लूड किया कि दोनों टाइप वन एरर ओके टाइप वन सॉरी इसको इसको बोलेंगे टाइप टू एरर टाइप टू एरर मतलब जब दोनों चीजें एक दूसरे से सिमिलर नहीं थी रियल में लेकिन आपके टेस्ट का रिजल्ट आया कि दोनों क्या है सिमिलर है सो अ टाइप वन एरर दोनों टीम एक दूसरे से एकदम सिमिलर थी परफॉर्मेंस में बट आपके टेस्ट का रिजल्ट आया नहीं दोनों टीम एक दूसरे से डिफरेंट है सो दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप वन एरर सो टाइप वन एरर मींस ऐसा सिचुएशन जब आपने बोला आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया मतलब आपने बोला कि दोनों चीजें एक दूसरे से सिमिलर नहीं है लेकिन रियल में वो क्या थी एक दूसरे से सिमिलर थी कॉल इट एज टाइप वन एरर टाइप टू एरर मतलब वी एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस मतलब हमने बोला दोनों जो चीजें जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक दूसरे से सिमिलर है लेकिन लेकिन रियलिटी क्या थी दे आर नॉट सिमिलर दे आर नॉट सिमिलर टू इच अदर बट हमारे टेस्ट ने हमको आंसर क्या दिया कि वो दोनों सिमिलर है तो ऐसे केस में हम उसको बोलते हैं दिस इज एन टाइप टू एर तो इसके लिए जनरली काफी बुक्स में एक टेबल दिया होता है एंड दैट टेबल इज कि ये हो गया हमारा रियल आंसर की रियल में क्या है ओके सो ट्रू मतलब रियल में दोनों चीज जो आप कंपेर कर रहे हो वो क्या है एक दूसरे से सिमिलर है और आपके टेस्ट का भी आंसर क्या आया यस इट इज सिमिलर बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड द नल टेस्ट इसका मतलब आपकी जो टेस्ट है उसमें कोई एरर नहीं है आपका आंसर करेक्ट है सेकेंड सिचुएशन अभी भी दोनों चीजें जो आप कंपेयर कर रहे हो दे आर वेरी सिमिलर टू इच अदर दे आर सेम लेकिन आपने जब टेस्ट परफॉर्म किया आपका आंसर आया कि नहीं दोनों चीजें एक दूसरे से सिमिलर नहीं है मतलब आपने नल हाइपोथेसिस को फॉल्सली रिजेक्ट किया तब हम उसको बोलते हैं कि आपके टेस्ट में एक एरर आया है एंड दैट एरर इज टाइप एरर टेबल दिया है यहाँ पे क्या दिया है फॉल्स फॉल्स मतलब दो चीजें जो आप कंपेयर कर रहे हो वो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर नहीं है मीन्स दे आर नॉट सिमिलर दे आर फॉल्स दे आर नॉट सिमिलर ये ट्रू आंसर मतलब ये एक्चुअल आंसर है लेकिन जब आपने टेस्ट परफॉर्म किया आपका आंसर क्या आया नहीं दे आर सिमिलर यू हैव एक्सेप्टेड इट कि आपकी दोनों चीजें जो आप कंपेयर कर रहे हो वो सिमिलर है आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया तो ये बन गया आपकी टाइप टू एरर एंड करेक्ट कब होगा एक्चुअल में दोनों चीजें जो कंपेयर कर रहे हो वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है और आपने जब टेस्ट परफॉर्म किया आपका भी आंसर यह आया कि दोनों चीजें सिमिलर नहीं है आपने एक्चुअल नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया So, then that time your answer is correct. Okay, and type 1 error is denoted by alpha symbol. Type 2 error is denoted by beta symbol. Okay, now my question to you is that you are going to answer to me in the le next lecture. That is, which one is more dangerous, type 1 error or type 2 error? एंड जस्टिफाई योर आंसर आपको क्या लगता है कौन सा टाइप का एरर बहुत डेंजरस है दोनों एरर डेंजरस है या दोनों भी एरर डेंजरस नहीं है या फिर टाइप वन बहुत डेंजरस है और टाइप टू इज मोर डेंजरसाइप वन एनी चारों में से कुछ भी आंसर हो सकता है तो आपको क्या लगता है आपका आंसर क्या है एंड वॉट एवर इज योर आंसर यू हैव टू जस्टिफाई आपको क्यों लगता है कि ये आंसर होना चाहिए ओके सो दस्ट दिस इज The end of our very small topic that is type one and type two error. तो इसके ऊपर five marks का general question पूछा जाता है। तो इसको explain करने के लिए आता है या इसको compare करने के लिए आता है। इसमें कोई solving नहीं होता है। This is just a theoretical question which is going to be asked. Okay. Um,